साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट लोनी विधानसभा से आ रही है, जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर साहब ने अपना नामांकन किया। और नाम था लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर साहब ने नामांकन से पहले अपने हवन का प्रोग्राम रखा और हवन के प्रोग्राम में उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा कि अब की बार लोनी विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जो है मतदान होगा और रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत होगी। ऐसा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, चुनाव की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी दिनेश सिंघल जी के नेतृत्व में सब यहाँ उद्घाटन जो हमारा कार्यक्रम है, समारोह है, उसमें शामिल हुए। मैं सब कार्यकर्ताओं का शीश झुका के अभिनंदन करता हूँ और सबसे उम्मीद भी करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह पूरी शक्ति के साथ, जो ये राक्षसों की लंका जो बनी हुई थी लोनी में, वो ध्वस्त हो चुकी है। थोड़ी बहुत अगर कहीं दीवार को कील बची है, उसको समाप्त करने के लिए सभी हमारे नौजवान कार्यकर्ता हनुमान जी के रूप में, सभी बहनें दुर्गा जी के रूप में और बुजुर्ग कार्यकर्ता ब्रह्मा जी के अवतार जामन जी के रूप में एकजुट और शक्ति के साथ इस लंका की जो कहीं कोई काद ईट बची है, क्योंकि लवणासुर बाद में मारा गया था, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। और लोनी के अंदर जो ऐतिहासिक विकास कार्यों की जो इबारत लिखी गई है और जो भगवा आसमान तक लहराया है, उसको कायम रखने के लिए जो विकास है लोनी के अंदर, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब के क्षेत्र में जल निकासी सहित जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, उसको पूरा करने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुटेगा और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीतने का काम करेगी। लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर साहब ने कहा, क्या वाकई जो है जीत अब के उनकी जो है पहले से अच्छी होने वाली है? क्योंकि देखिए, उन पे जो है एक बार फिर पार्टी ने जब भरोसा जताया है, तो क्या वाकई लोनी वाले उन पे भरोसा जता पाएंगे? हवन में भी आज जो है उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए।